एक बड़ा सारा बंगला भर लो, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। एक बड़ा सारा बंगला भर लिया जाए, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। और फिर उसने मेहनत कर कर कार्य कर कर इतना सारा लोहा इकट्ठा कर लिया। एक बड़ा सारा बंगला भरा जाए, इतना उसने लोहा इकट्ठा करा। चांदी भी उसने बहुत सारी इकट्ठी करी, लोहा भी उसने इकट्ठा करा। दोनों को एकाग्र कर लिया, चांदी इधर भर ली, लोहा इधर भर लिया। खूब सारी चांदी उसके पास में थी और खूब सारा लोहा उसके पास में था। अब एक दिन वो कहीं प्रवचन में चले गया, और प्रवचन में गया तो प्रवचन में कहीं उसने सुन लिया कि यो इकट्ठा करा वो किस काम का, तो उसने संत की वाणी को मानकर सब लुटा दिया। अपने नगर में उसने सूचना कर दी, अपने गांव में उसने सूचना कर दी कि गांव के लोग, नगर के लोग, मेरे पास में चांदी और लोहा दोनों चीज हैं, सुबेरे 9 बजे से आप मेरे दरवाजे पर आना, सब लूट के ले जाना। अब चांदी भी लूट लो, लोहा भी लूट लो। आपको अगर सूचना मिले या हमको सूचना मिले या किसी व्यक्ति को सूचना मिले कि चांदी भी लुटाई जा रही है और लोहा भी लुटाया जा रहा है, तो लूटने वाला सबसे पहले क्या लूटेगा? चांदी लूटेगा। ये लोहा नहीं लूटेगा। लोहा कितने का उठाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पर चांदी का पैसा तो अच्छा। सब गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि कल चांदी और लोहा दोनों लुटाया जाएगा, चलो लूटेंगे। और सारे गांव के लोग लूटने के लिए चले। सब ने झोला भर भर कर, बैग भर भर कर, बारदान भर भर कर, बोरा भर भर कर, बोरियां भर भर कर चांदी को लूट लिया। अब कुछ लोग रह गए, थोड़े से लोग लूटने से रह गए। तो उन्होंने देखा कि चांदी तो खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करो, कुछ नहीं मिल रहा तो लोहा ही लूट के ले जाओ। हालांकि उनको मालूम है कि लोहे की कोई कीमत इतनी नहीं है जितनी चांदी की है, पर करो क्या, उन्होंने लोहा लूटा ले गए। चांदी वाले चांदी लेकर चले गए, लोहे वाले लोहा लेकर चले गए। पर जो लोहा लेकर गए उनका दिल चांदी वालों को देखकर बड़ा दुख रहा था, क्योंकि चांदी जिन्होंने इतनी सारी लूटी उनको लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, और लोहा हमने इतना सारा लूट भी लिया तो कितने रुपए, 200-500 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे, 1000 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। कबाड़े में कितने का लोहा जाएगा? कबाड़े में लोहा जाएगा भी तो जाएगा कितने का? तो थोड़ा सा लोहा हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा पैसा हमें प्राप्त हो। चांदी वालों को देखकर लोहे वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उस व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने नगर में सूचना कर दी, जिनके पास लोहा गया है वह लोहा लेकर मेरे पास आ जाना, मेरे पास एक पारस मणि रखी है, उस पारस मणि से मैं लोहे को छूंगा तो वो सोना बन जाएगा। जिनके पास लोहा पहुंचा है वो उस लोहे को लेकर मेरे पास आना, मैं पारस मणि मेरे पास में है, उस पारस मणि को मैं लोहे से छूंगा और वो पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाएगा, पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाए। अब जितने लोहे वाले थे वो अपने अपने लोहे को लेकर व्यापारी के पास, सेठ जी के पास गए, उसने पारस मणि से लोहे को छुआ, सोना बनते चले गए। लोहे को छुआ, सोना बन गया। लोहे को छूते ही वो सोना बनते चले गए। अब लोहे वाले पहले रो रहे थे चांदी वालों को देखकर कि कितनी चांदी है, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, कितना वैभव आएगा, कितना धन आएगा। अब लोहे के जितने जितने सामान थे उनको छूते से ही वो सोने का बन गया, कीमती बन गया। बस ये चांदी और ये सोना, यही हमारी जिंदगी है। हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं काय का शरीर पाया रे, काय की जिंदगी पाई, ऐसा जीवन तो नरक हो गया। कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लोग, 4-व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब अच्छे बंगले में रह रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे उनके घर में गार्डन है, बंगला है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है। हम चांदी वालों को देखकर अंदर से विचार करते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, और अपन अपने आप को लोहे का समझते हैं। मेरा निवेदन, लोहे के बनने के बाद भी, इस शरीर को पाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण वो पारस मणि है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को हमें देखकर दुखी नहीं होना कि मेरी जिंदगी में कितना दुख लिखा है, मेरे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफें लिखी है, ये देखकर हमें रोना नहीं है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा, जिसकी लड़की मर गई, जिसका लड़का मर गया, एक ही पुल के अंदर एक लड़का था, वो पुल का लड़का भी शांत हो गया। अब रोती बिलखती, पुल में एक लड़का था वो भी मर गया, लड़की भी मर गई, लड़का भी मर गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लिखा पत्र में किसी ने, इतने एक पत्र को लिखा था। मैं कोटा राजस्थान निवासी गोविंद सिंह, पत्नी कला सिसोदिया हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोविंद सिंह, पत्नी कला सिसोदिया हूँ, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। कला सिसोदिया हूँ, गुरुजी मेरी दुख की व्याथा का मैं क्या वर्णन करूँ। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई।
20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 वर्ष का था वो चले गया। पहले कितने साल की गई लड़की, जम के बोलो जरा, 11 वर्ष की। लड़का कितने साल का गया, 20 साल का लड़का चले गया। गुरुदेव, दुख का पहाड़ टूट गया, पूरा खानदान हिल गया, क्योंकि कुल का इकलौता दीपक भी चले गया। रोते बिलखते करते क्या, उम्र भी ढल गई थी, बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकती। जहां रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त हो। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव जी की भक्ति करो, सियोर वाला महाराज कथा करता है आस्था चैनल पर, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने ही सुन लो। टीवी के सामने कथा बैठ कर सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बेटी दोनों चले गए, कुल का दीपक चले गया, मेरी शादी को सालों हो गए, मेरा लड़का जब 20 साल का चले गया तो संतान की प्राप्ति कहा। बाबा, अब आप कृपा करोगे तो संतान हो सकती है, नहीं तो कोई संतान का सुख नहीं। बस कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करा, बाबा से निवेदन कर जब निवेदन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा आया उसकी सोनोग्राफी जब हुई, जब जांच हुई, तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, तुम अपने ऊपर खतरा मत लो, ये बच्चा शरीर से विकलांग है, शरीर बेकार है, इसका पूरा शरीर नहीं बना, धड़कन आदि आदि इस बच्चे की नहीं बनी। डॉक्टर ने कह दिया इसको गिरा दो, डॉक्टर ने कह दिया इसको साफ कर दो, पर मेरी सास और हम लोगों ने विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, सीहोर जाते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं, बाबा से निवेदन कर रुद्राक्ष लेकर आए, विनती कर आए सीहोर में जाकर, बाबा मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। हमने फिर जांच कराई, 4-5 डॉक्टरों को बड़े बड़े शहर में जाकर दिखा दिया, पर डॉक्टर ने सबने मना कर दिया, ये बच्चा पैदा ना करिए, जन्म मत दीजिए, ये बच्चा बेकार है, इस बच्चे को साफ करवा दो। पर हमने भी बाबा पर भरोसा करा, डॉक्टर हमसे कहते रहे तुम क्यों आडंबर में पड़े हुए हो, हमारी बात मानो, ये बच्चा ठीक नहीं है, साफ करा दो। तो भी हमने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा गुरुदेव, और 9 महीने जब पूर्ण हुए, डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र के बाद बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करवाइए। तब मेरे पति ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जो तिथि थी, जो वार था, जिस दिन लड़का शांत हुआ था, उसी तिथि उसी वार को मेरे भोलेनाथ कुबेर भंडारी ने लड़का वापस दे दिया। गुरुदेव, मैंने उसका नाम डमरू बना रखा है, लिया उस डमरू को, लिया लिया लिया। उसी तिथि उसी वार उसी तारीख को मेरे को बाबा कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने फिर वापिस मेरा लड़का उसी तारीख उसी तिथि को दे दिया। ये बाबा की कृपा दृष्टि है महाराज, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओ घड़ी की कृपा महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगूत खजाना कुबेर का, हे गंगधा मुक्ति द्वार ओम का, भोले ओम का आयो शरण दिया शंभु तार तार, आयो शरण दिया शंभु तार। शिव कृपा नहीं होती तब तक दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। इतनी समय के बाद वापिस मेरे बाबा ने वही तारीख को अगर दिया, अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए। ये पहला बेटा जो 20 साल का शांत हुआ था, उसका फोटो कैमरे पर अवश्य दिखाएं, चैनल पर, जो 20 वर्ष का शांत हुआ था। इतनी उम्र होने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान का सुख कभी नहीं होगा, जो बाबा ने दिया। बयालीस वर्ष की इनकी उम्र है और पति की उम्र 50 वर्ष है। बाबा की कृपा से प्राप्त कर लिया ये शिव शंभो। एक ही बात शंभो, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंकर दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है। आप दिल से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, आप दिल से सुनते हो तो वो दिल से देता है, दिल से सुनते हो वो दिल से देता है, उसकी कृपा
उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा कम नहीं होती। वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सहज नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा में कमी नहीं रखता। बस उस पर करा गया भरोसा हमारा प्रबल होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। ये हमारा विश्वास जितना पक्का होगा उतना सुख हमारी जिंदगी में आएगा, उतना सुख आए। कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी, दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करना। सुना था ना कल? किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बनाकर भेजा है ना, कोई बात नहीं। दुख आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है, इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग कथा सुनते रहना। एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिवपुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है, निश्चित है। एक मिनट, लोग कहते हैं एक मिनट में कोई किस्मत बदल सकती है, हम कहते हैं एक मिनट की तुम्हारी भक्ति, एक मिनट का तुम्हारा भजन, एक मिनट का तुम्हारा कीर्तन, एक मिनट का तुम्हारा मंत्र जाप, एक मिनट का तुम्हारा स्मरण, एक मिनट का तुम्हारा नाम जाप तुम्हारे कर्म को भी, तुम्हारे भक्ति के स्मरण को भी, एक मिनट में तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। पर एक बात का स्मरण रखना, एक बात का स्मरण रखिएगा। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि बेटा गया या बेटी गई, हुआ क्यों, इस पत्र में उन्होंने लिखा। तो ये जो आप पूछ रहे हो ये हमारे पूर्व के कर्म का कोई भोग होता है। हम कथा में हमेशा कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा की दृष्टि से कैसे बचोगे? हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता। अरे गुरुजी ऐसा होता क्यों नहीं होता, समझिएगा जरा। अब मान लो, समझ लो कि यहां पर कथा में यहां बहुत सारे लोग आए हैं, एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग आए और कोई, मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के, सफेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहा है, इनको भी टीवी पे दिखा देना जरा। मान लो ये दादा चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, समझना, सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, ठीक है, समझ लो जरा, ये सफेद कपड़ा पहनकर बैठे। और हमने इनसे कहा, दादाजी अब हम इनसे कहें, जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपये दे सकते हो? दादाजी ने कहा, हाँ महाराज जी हम 10,000 रुपये तुमको दे देंगे, तुम लौटाओगे कब? हमने कहा, दादाजी हम तुमको कल दे देंगे, ठीक है, जरा समझना बहुत अच्छे से। दादाजी ने हमको 10,000 रुपये दिए और हमने ले लिया है। अब दादाजी कल, आज सफ़ेद शर्ट पहनकर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहनकर आ गए, ठीक है। अब दादाजी हमारे पास आकर बोले, महाराज, हमने कहा बोलो, 10,000 रुपये, हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था, सफ़ेद पहना था, और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है, हूँ तो मैं ही, कपड़े से कुछ होता है क्या, हूँ तो मैं ही,
मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे, अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से थोड़ी ना लिए थे, सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपए दे देते, तुम तो नीली पे। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है, मैं तो वही हूँ, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है। हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता, यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहां तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके, 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े चेंज करे हैं। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके, पर हमने जो पूर्व में करा, ये आत्मा थोड़ी ना बदलती है, आत्मा बदली। गीताजी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीताजी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेद सकता है, ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी, आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है, जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोगा तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हम पूर्व में क्या करें उसका भोग हमको आज भोगना पड़ रहा है। अगर किसी ने गाली दी है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ लेकर चले गया, किसी ने तुम्हारा धन खा लिया, तुम्हारी संपदा खा ली, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे को धोखा देकर चले गया, पर अंदाजा लगाना धोखा नहीं, ये तो पूर्व का था जो आज लेकर गया है। किसी ने अपशब्द कह दिया, वो पूर्व का था जो आज कह रहा है। किसी ने हमको कुछ गाली दे दी, ये पूर्व का था इसलिए दे रहा है। ये कर्म का भोग हम यहीं भोग लें तो अच्छा है, एक कर्म का भोग भोग ले तो अच्छा। एक अपने भीतर एक भाव को प्रकट करो कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया वो साधारण नहीं दिया। एक असुर हुआ जिसका नाम था महाशनि, क्या नाम है उसका, महाशनि। देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, इस महाशनि का काम क्या था, महाशनि का कर्म क्या है। महाशनि का केवल एक काम था, घर में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया, गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया, कौए को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया, ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था, श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृपक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था, तो पितर उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे, बोलो सही है, देते हो ना जल, अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकाग्रित करता गया करता गया करता गया करता गया, जब उसने बहुत सारा भाग एकाग्रित कर लिया तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, महाशनि ने आक्रमण करते 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 सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या, महाशनि का कर्म क्या, अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है, तो कहा गुरुजी देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा, एक जरा सा बर्तन रखा है उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने
कि तुम्हारे घर में अगर चार बेटे हैं, तीन बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौए को अगर भोजन दिया, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। अरे पहले का नियम तो आप लोगों के स्मरण में होगा, आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, जो मारवाड़ राजस्थान के अंतर्गत मिलती है। राजस्थान का पहनावा और राजस्थान का प्रणाम करना, नमन करना, ये राजस्थान में आकर लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ का दूसरी जगह का फैशन हमारे तन को ढकना नहीं सिखाता, पर राजस्थान का पहनावा हमारे तन को ढकना सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। यहां तो लोग जानते होंगे कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरु जन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, वहां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहां होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा। उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि लक्ष्मी वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी, जल का हाथ फेर दिया जाता। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। अब महाशनि ने जब देखा कि सत्ता मेरी बन गई, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पर आक्रमण करा तो इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, और इंद्र की सत्ता जब उसकी हो गई, सत्ता धारण कर वो वरुण के पीछे पड़ गया और वरुण लोक में पहुंच गया। जब वो वरुण लोक में पहुंचा तो एक आनंद की अनुभूति हो गई। आज मैं कोटा वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी कल की बात को माना और आज बड़ी शांति से कथा का रसतत्व ग्रहण किया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों ने जो शांति बनाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो हमारा भी मन करता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी देव पित्र कथा का लाभ प्राप्त हो, आपके साथ में पूरे विश्व को यह कथा आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब महाशनि ये विचार कर लिया, महाशनि के अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि मेरे पास में सत्ता आ गई, वो वरुण के पास चले गए और वरुण के पास जाकर उसने वरुण लोक पर अपना आक्रमण करा। वरुण लोक पर आक्रमण, दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी, दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये बहुत तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्व ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल हजार लाख गुना हो जाता, हजार लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। एक पत्र है देखिए, मैं निशा सैनी, पति का नाम सुरेश, सुरेश सैनी, फोन नंबर यह है, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई क्या? हाँ, एक बार वापस हिला दो बहन, ठीक है, दिख गए। मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ, आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से। मेरा भतीजा 16 साल का है जिसका फोटो मैंने लगाया है, 28 अगस्त 2023 को अचानक से तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए और कहा पीलिया इसके दिमाग पर चढ़ गया,
दिमागी दौरे इसको प्रारंभ हो गए, दौरे आते थे, बेहोश हो जाता, लटक जाता, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा इसका लीवर बदलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी पीलिया पहुंच चुका है, अगर लीवर जल्दी से नहीं चेंज किया गया तो ये दौरे चलते चलते पागल की दशा हो जाएगी और ये अंतिम क्षण में पहुंच जाएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया लीवर कैसे बदलते गुरुदेव, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको गुड़गांव ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। हम उस बच्चे को गुड़गांव के हॉस्पिटल में ले गए गुरुदेव, वहां पर भी डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया, इसका लीवर बदलना पड़ेगा, इसका लीवर बदलना पड़ेगा और इसको जो झटके आ रहे हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया, उसका दिमाग के दौरे और ज्यादा बढ़ने लगे, उसका लीवर पूरा डैमेज हो गया। डॉक्टर कहते हैं इसको बदलना जरूरी है और बच्चे की लीवर बदलने के बाद भी पीलिया इतना ज्यादा दिमाग में बैठ गया कि झटके जो आ रहे हैं बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तब उसी समय पर मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि एक काम करो शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका जल इसको दो। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर है, पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसको होश नहीं है, तो एक काम करो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र इसके करीब में ले जाकर रख दो। हमने बाबा देवादिदेव महादेव पर भरोसा कर बेलपत्र ले जाकर उसके पलंग के पास में रख दी। शिवजी पर चढ़ा हुआ पानी डॉक्टर जी से कहकर कि अब तो इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसके होठ पर पानी लगा दें दो। हमने वो जल उसके होठ पर लगाया, बाबा का हम क्या गुणगान करें। तीन दिन तक लगातार ये करा, चौथे दिन डॉक्टर आकर बोले तुम्हारे लड़के का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसके झटके बंद हो गए हैं, दिमागी हालत ठीक है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए गुड़गांव के कि ऐसा चमत्कार जिंदगी में कभी नहीं देखा, यह हो नहीं सकता। पर गुरुदेव कुबेर भंडारी तो कुबेर भंडारी है, बाबा की कृपा से मेरा बच्चा ठीक हो गया। बच्चे के फोटो लगाए हैं, आप देख सकते हैं, एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर है, दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ। मैं यहाँ पर बाबा को दंडवत करने आई हूँ कि हमारा बच्चा ठीक कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों फोटो देख लीजिए, एक फोटो जिसमें बच्चा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आप आस्था चैनल के माध्यम से LEDO के माध्यम से आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, दूसरा फोटो जिसमें बच्चा ठीक हुआ उसका फोटो लगाया गया। दोनों फोटो इसके अंतर्गत लगाए गए, LED वाले भी दिखा सकते हैं। दो फोटो शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, शिव तत्व। और बैठो मां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए, हर हर महादेव। शिव शंकर ओघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। आज तो आप लोगों ने पत्रों का इतना ढेर लगा दिया कि पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, थोड़े थोड़े तो हम पढ़ ले रहे हैं, तो मना नहीं, पर बहुत सारे शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भूल चुक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं जिसको तुम जानते नहीं जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे, दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है, महाशनि करता क्या है, ये महाशनि जो असुर है इसका काम क्या था, बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता है, रुष्ट होते तो क्लेश होता। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को या तो गौ माता को या पागल को जो मन यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं उसका कारण यही है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया, जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना, इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो जल जरूर देना, कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना, ब्राह्मण संत साधु गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त, महाशनि जो क्रोधी है असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए, वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता, क्या नाम था पराजिता, वरुण देव ने अपनी लड़की पराजिता का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया, वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दमाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दमाद है जी, अगर महाशनि तुम्हारा दमाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसी खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को, ठीक है। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी।
इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी, दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, इतना प्रकट हुआ, सती देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्छिष्ट हो जाता, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्छिष्ट हो जाता। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है, थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता, काम चालू, थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पंद मदन कंठमा, उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमनामहं सकल सिद्धि है, फिर चालू हो गई। कई कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर ज्ञान गुण सागर, राम दूत विक्रम बजरंगी, अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर ज्ञान गुण सागर, राम दूत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर, राम दूत। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करे कि मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है, तेरे चक्कर में दो घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता, अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। तो कई कई तो इतनी समझदार की तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी, जय हनुमान क्या हनुमान, पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, डब्बा भरेगी, और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाल। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके, कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई एक गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे, बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे, 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो उससे। अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है, हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है, शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास बोलो जमके नहीं खाता, तो हमने हिरण के लिए कहा कि यह गलत चीज नहीं खाता, खरगोश यह नहीं खाता, जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, केवल मनुष्य ऐसा इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी ए दादी बोले नाना, दादी एक नंबर का टेस्ट है, दादी बोले तेरी प्लेट में एक चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और बना की प्लेट में एक चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई, तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, एक प्लेट और लगा, और मई ठेला पे खड़ी खड़ी सब कर भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा पानी बतासा क्या बोलते हैं गुपचुप, हैदराबाद में वो पानी बतासा को गुपचुप बोलते हैं, किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं, हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप इसलिए गुपचुप, उसमें क्या आंसर है, दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे, और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी, वो पानी में हाथ हिलाए थोड़ी थोड़ी देर में, वो नीचे हाथ ले जा, और थोड़ी थोड़ी देर नीचे, 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जा, फिर अब इतने दादी ने पूछा बार बार ये नीचे क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं बहुत दिन से पांव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल बच रहे थे, दादी बोला अब कखा खा उसको, घर में पानी बने ना पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे, बोला सही है कि गलत है,
घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे, क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई बता, और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता, बहुत। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना, 56 भोग होटल के खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हो, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग ठीक है। 56 भोग ठीक है। नवरात्र में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूरी खाकर देखना, भंडारे की मोटी मोटी पूरी और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है, वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया, वो सुख कहाँ आ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही, महाशनि उपद्रव मचाया, आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा सुख शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहां आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें, उसका सुख उसका आनंद मिलता है, प्राप्त जरूर होता है। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया, तब कर रहे, इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा, थोड़ी देर मन लग रहा, थोड़ी देर में विचित्र है, थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हैं, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर में गिरिराजष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे, लोग कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है, 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 किलोमीटर है, गाड़ी से नाप ले 21 किलोमीटर ना। आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है, हाथ उठाओ तो जरा, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए, बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए, मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए, जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय जय गिरिराज धरण की, अटल शरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय धरण की अटल शरण की, राज धरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, ओ जय जय
जय जय गिरिराज धरण के ओ जय 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 गिरिराज धरण के। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से कांत में जय 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 गिरिराज धरण के गिरिराज धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण के। गिरिराज धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय 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 गिरिराज धरण की बोलो जय 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 गिरिराज धरण की। गिरिराज धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की जय 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 गिरिराज धरण की जय 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 गिरिराज धरण की जय 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 गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय बोल गिरिराज महाराज हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव
भगवान शिव गोगर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भाव से करुणा करें। देखो जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवा नमस्तु, 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 भोला सब दुख कारो हमारा, ओ भोला सब दुख कारो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। अपस्तमक जो ऋषि थे वो गंगा के घाट पर रहते थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। देखो शिव कथा कहती है जब मन ना लगे, चित्त ना लगे, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा मन शिव महापुराण तक ना पहुंचे, शंकर की भक्ति तक ना पहुंचे, तब किसी गुरुवर की शरणागति जरूर। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो, गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए, धन से प्रीति ना हो गुरु को तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो, जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव ओ घड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए, सतमार्ग की ओर जो भेज दे, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर वो गुरु। महाराज महाशनि ने उपद्रव मचाया वरुण देव का कहने पर, छोड़ा इंद्र को इंद्र और इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा। भगवान शंकर की आराधना में मन को लगाना बड़ा कठिन है, और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त जिसकी वृत्ति जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया। शिव का जो भक्त होता है शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा होता है, उसमें फिर चिंता नहीं, फिर टेंशन नहीं। पत्रों में जैसे आप लोगों ने लिखा, एक किसी ने पूरा एक्सरे वगैरह भी लगाया है। मैं कोटा की निवासी हूं, गीता कवर डीसीएम रायपुरा से आई हूं, कहीं बैठी हूं हाथ हिला सकती हूं। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी छोटी बहन के कान में प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं दे रहा था, आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई, दिखाई नहीं देवे, बड़ी तकलीफों में फंस गए गुरुदेव। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिलाते श्री शिवाय नमस्ते। जब बड़ी समस्याओं में घिर गए, डॉक्टर ने कह दिया बीमारी हो गई है जो मस्तिष्क में हो गई है, जिसके कारण बस नसों में पानी भर गया है, तो श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, मैंने मेरी बहन से कहा कि तू एक काम कर, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, सीहोर जा रुद्राक्ष ला उसको पानी में गला शिव को चढ़ा। बाबा डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी किसी किसी को होती है जिसके अंतर्गत आंखें और कान दोनों चले जाते हैं, मेरी बहन को वही बीमारी हो गई, धीरे धीरे उसकी आंखें और कान दोनों जाने लगे, जिसकी रिपोर्ट मैं लगाई हूँ। गुरुदेव
रुद्राक्ष के जल का बेलपत्र को खाने का और शंकर को जल चढ़ाने का फल यह हुआ। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर शंकर पर चढ़े हुए जल को जब आंखों पर कानों पर लगाया और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी तो मेरी बहन को वापस दिखना भी प्रारंभ हुआ और श्रवण शक्ति भी वापस आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने इसमें लगाई। अब ठीक है, वो देखिए हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुजी, मैं कोटा की रहने वाली हूँ, नाम भंवर कंवर है। खड़े गणेश जी, विनोबा भावे नगर, कोटा राजस्थान की हूँ। शादी 2005 में हुई थी गुरुदेव। कितना साल हो गया? 23 को 2005 में विवाह हुआ था गुरुदेव। सालों निकलते गए, डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट पेपर भी करवाया, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा 2 बजे टीवी पर कथा थी, उसे सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमुरुका जी का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 2 महीने में गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 21 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो 2005 से मुझे संतान नहीं थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। 2005 से जो आप ही दोनों हाथ हिला देगा, 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बैठी है, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो महाराज। आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्नी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। भोले अपने दर से अब तो नटालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। इंद्रदेव अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है, महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर किसी गुरुवर के चरणों में या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा है, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा है, जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है, हम पे मंगल चढ़ गया, मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना, उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे के सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन। भोलेनाथ ने तेरे भरोसे, इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। आप पढ़ो, आपके स्मरण में आए, आपकी चित्तवृत्ति में आए। कठिन, कोई शंकर का उपासक हो, कोई शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा है, कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग बात करते रहते हैं, कहीं दिन भर बाल खोल के घूमते रहे और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो, कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। झूठ है क्या? अरे बोलो तेरे जम के, सही है कि गलत है? यहाँ कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, पांचवें दिन जाऊंगी, रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आ जा, फ्री बैठे हैं एकदम फ्री, कोई भी बुलाया चल दिया और थोड़ी देर में आते
और के चले जाते, तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया। अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है। परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताएंगे तेरे घर का? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख अपने कर्म का भोग है, वो भोगना पड़ेगा। तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हल कहीं मत जा। ये इतने पत्र हैं, पूरे कोटा वालों निकाल कर ले जाना। ये तो अभी तीसरे, कौन सा दिन है, तीसरा दिन। इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है, इनको मिलाओ। अभी तो तीसरा दिन है। इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्य था, उसने लिखी। अब कोई तुम जाओ, उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ, शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जाओ, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे। हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं, बताओ। किसी ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया कल्याण। अब सौंप दिया इस सब हे हारे तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें, पड़े 50 सब फ्री, यहाँ कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाए, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले जाऊं। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत करने लगे। ये शिव महापुराण, आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो, और इतने जो डूम लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो डूम लगे हैं, पेंट लगे हैं, और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े हैं। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है, ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो, जब कथा में कह देते 3 महीने में बाबा देता है? हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, सियोर वाले गुरु जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवदत्त महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन होइए, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो अपन क्या चोटते हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुनेगा? वो धारण करता है, वो सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए अपस्तमक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या, क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में अपस्तकमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है
उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो, अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है, सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुरवासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुरवासी पहुंचे, राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ, सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए, वन से वापिस लौट कर आए, सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहां पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ, तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं, जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ, तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, आपने कहा था सब नर और स्त्री नर नारी अपने घर जाओ, हम ना नर में हम ना नारी में, हम किन्नर थे, हम कहां जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहां जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ, हम ना नर में ना नारी में, हम कहां जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है, तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते, असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर अपने खेड़े में रहकर जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं मांगते। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में, इनमें भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर है, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया प्रथम सृष्टि का निर्माण रहा है भाई, उसको पहचानो। जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया, सार्थक। अब किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा, शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा, शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से, कहीं बैठे हो आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पत्थरी हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़ेगा, हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए। तब हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा। गुरुदेव रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पत्थरी थी वो 4 mm की रह गई है, बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव कोटा राजस्थान के निवासी हैं, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव
मेरी एक लड़की और एक लड़का है। लड़का 12 वर्ष का हो गया, जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया, जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया, 12 साल के लगभग में हो गया, मुख से लेकर पेट तक। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग है, करें क्या। डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया। गुरुदेव रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पांव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या, वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा, दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला, इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया, अपस्तमक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष को धारण कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती है हम रुद्राक्ष पहन सकते क्यों नहीं, कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते रुद्राक्ष पहन सकते क्यों नहीं। रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक आनंद तक चलता है। कहे हम पहने क्यों ना पहने, एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ हमें जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, आप प्रशस्त मार्ग, क्यों ना भजन। मेरे भोले तेरा सहारा,